इस वीडियो में मैं आपको कुर्ती का कॉलर वाला गला बनाना बता रही हूँ। जैसे कि हमें कॉलर वाला गला बनाना होता है, उसके लिए हमें कंधों की लंबाई 8 इंच पर निशान लगाना होता है, जैसे कि हमने 8 इंच पर लगाया है, और मुड्डों का भी निशान हमें 8 इंच पर लगाना होता है, ताकि इसमें छांट गहराई का कम होता है, उसके लिए 1 इंच मुड्डे बढ़ाने होते हैं। जैसे कि हमें 17 इंच चेस्ट की लंबाई तैयार करनी होती है चौड़ाई, उसके लिए हमें 9.5 इंच पे निशान लगाना होता है, जो ये 1.5 इंच है इसको एक्स्ट्रा लेना होता है। और ऐसे ही कमर की चौड़ाई जैसे कि हमें 32 इंच की करनी होती है, ये निशान 8 इंच पे लगाना होता है, और जो ये आगे का एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा हिस्सा हुआ है जो अंदर चला जाता है सिलाई के। और जैसे कि हिप्स हमें 36 इंच के करने होते हैं, उसके लिए चौथाई भाग इसका 9 इंच होता है, ये 9 इंच पर निशान लगाना होता है, और ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। जैसे कि ये फिटिंग ऐसे हो गया और इसका ये एक्स्ट्रा कपड़ा होगा। अब मैं आपको कॉलर वाला गला बनाना बता रही हूँ। जैसे कि सबसे पहले हमें गला काटना होता है, इसमें गले की चौड़ाई 3 इंच की लेनी होती है, और लंबाई 4 इंच की लेनी होती है। इस निशान को इस निशान से ऐसे थोड़ा वी शेप में मिलाना होता है, ऐसे। इसके बाद इसको ऐसे काट लेते हैं। जैसे कट गया, इसके बाद जितना भी आपको आगे से गला खुला करना होता है, उसके लिए नॉर्मल गले की लंबाई 5 इंच की लेनी होती है, और आप अपने अनुसार भी खोल सकते हो। अब मैं आपको इसको बनाना बता रही हूँ। जैसे कि हमें गला बनाना है, इसके लिए हमें ये पट्टी लगानी होती है, पट्टी ऐसे लगानी होती है, ये ऐसे ऐसे डिजाइन बन जाता है, इसके ऊपर भी फिर कॉलर भी ऐसे ही होते हैं। उसके लिए हमें आप अपनी लंबाई के अनुसार निशान लगा सकते हो, जितना लंबा आपको डिजाइन बनाना होता है। ऐसे ये हमें पहले ऐसे सिलनी होती है, यहाँ तक जहाँ तक कट होता है, इसको थोड़े आगे निकाल लेना होता है, ताकि जैसे हम ऐसे पलटे तो ये इसके बराबर हो जाएगा गले की, ऐसे। देखो जैसे ही ये पट्टी लग गई, और ऐसे ही हमें दूसरी साइड से भी ऐसे ही लगानी होती है, ऐसे करके यहां जहां तक कट है वहां तक। जैसे देखो ये दोनों तरफ पट्टी लग गई, इसके बाद हमें ये सिलाई लगानी होती है। इस पट्टी को ऐसे इधर मोड़ते हैं, और इस साइड वाली को ऐसे, पहले हमें ये किनारे वाली सिलाई लगानी होती है।
ऐसे। जैसे हमने निशान लगाया था ये सिलाई बिल्कुल ऐसे निशान करिए करके सिलाई देनी होती है पट्टी को। अब जब ये पट्टी मोड़नी होती है यहाँ से ऐसे बिल्कुल खींच के बिल्कुल इसको ऐसे करके और पट्टी को ऐसे कर लेते हैं दोनों को। पट्टी को ऐसे ऐसे करके बिल्कुल चपटी और इसको ऐसे कन्नी मोड़ लेते हैं और यहाँ से ऐसे ध्यान रहे मतलब ढीली नहीं ढीला ना होना पाए पट्टी। अब जैसे ये पट्टी लग गई जो ये दूसरी साइड की पट्टी इसको भी ऐसे ही मोड़ के बिल्कुल इसको इस सिलाई से ही के बराबर ही सिलाई लगानी होती है। अब देखो जैसे ही ये पट्टी दोनों लग गई अब ये बराबर वाली सिलाई लगानी होती है। तो बता देखो जैसे वो मोड़ा था उसके लिए ये ऐसा हो गया बिल्कुल एकदम चकोर और इसको ऐसे बिना इकन्नी के मोड़ के इसको भी ऐसे ही सिलाई लगानी होती है। जैसे कि ये पट्टी लग के तैयार हो गई इसके बाद हमें ये कंधे जोड़ने होते हैं और जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी काट लेते हैं। ऐसे कंधों को जोड़ना होता है। जैसे कि पट्टी लग के तैयार हो गई और हमने कंधे भी जोड़ लिए। अब कॉलर लगाने के लिए इसकी नाप लेनी होती है गले की ऐसे गोलाई से। जैसे कि गले की गोलाई 16 इंच की है और ऐसे ही हमें बुकरम काटनी होती है। बुकरम को 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है 17 इंच का। जैसे कि बुकरम की लंबाई चौड़ाई हमने 3 इंच के लिए और लंबाई 17 इंच के लिए। अब इसे मैं कटिंग के लिए
यहाँ पे 1 इंच का निशान लगाना होता है। और यहाँ पे बिल्कुल बीच में ऐसे मोड़ के बिल्कुल बीच में 2 इंच का निशान लगाना होता है। इसके लिए इसको ऐसे गोलाई से थोड़ा ऐसे इस निशान से मिला लेते हैं, वो आधा इंच की शेप देके इसको इस निशान से मिला लेते हैं। फिर इसको ऐसे काटना होता है। कॉलर हो गए, जैसे कि कॉलर में ये ऊपर थोड़ी गहराई है और नीचे थोड़ी गोलाई है, इससे कॉलर सेट हो जाता है। अब कॉलर को नाप 17 इंच का है। अब इसमें हमें कपड़ा लगा के सिलना होता है। जैसे कि हमने ये पट्टी ली है, इसको ऐसे काट लेते हैं हम। एक पट्टी और लेनी होती है। ऐसे इसको नाप के ही जैसे कि हमने ये 2 पट्टी ली है, इसके ऊपर ऐसे कॉलर रख के ऐसे सिलाई लगानी होती है। जब यहाँ से हम शुरू करते हैं तो इसमें थोड़ा सा जगह छोड़नी होती है। जैसे कि सिलाई लग गई, अब जो इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट लेते हैं। इसके बाद इसको ऐसे पलटना होता है। जो लाल वाला ये ऊपर ये हिस्सा है, ये ऊपर साइड रहेगा और ये नीचे की साइड। फिर इसके ऊपर ऐसे बारीक सिलाई लगानी होती है, कन्नी कन्नी, बिल्कुल कन्नी के ऊपर। जैसे कॉलर तैयार होगा, अब इसको गले पे लगाना होता है। ऐसे नाप के फिर ऐसे एक साइड बुकरम दबा के और ये पट्टी इसको थोड़ा ऐसे करके और ऐसे कन्नी पे ऐसे सिलाई लगानी होती है, ये रेड वाला कॉलर ऊपर आ जाएगा।
कॉलर लगा, अब इधर भी इसको ऐसे थोड़ा मोड़ के ऐसे ऐसे करके लगाना होता है ताकि आगे कपड़ा ना निकले। जैसे ही कॉलर लगे अब इसके ऊपर सिलाई लगानी होती है। जैसे कि एक पट्टी खुली होती है उसको ऐसे दबा के ऐसे इसमें सिलाई लगानी होती है। अगर आपको ये पट्टी थोड़ी ढीली नजर आती है तो आप थोड़ा इसको खींच सकती हो नीचे गले को और पट्टी थोड़ी ढीली रख सकती हो। ऐसा करने से पट्टी में सफाई आती है और चुन्नट भी नहीं आती। जैसे कि ये पट्टी है इसको ऐसे अंदर करके और ये ऊपर वाला कपड़ा से इसको ऐसे ढक लेते हैं और फिर तब सिलाई लगानी होती है। ये आपका कॉलर वाला गला तैयार हो गया। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप पूछ सकती हो।